हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत मन्ना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जो आप प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी इरोर का, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली आ रहा है, बैटरी इरोर आ जा रहा है। इसमें थोड़ा देर चार्ज होता है उसके बाद में बैटरी इरोर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कीपैड फ़ोन में आ रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम, तो सो इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं, इसको मैंने चार्ज पे लगा दिया है और ये थोड़ी देर में चार्ज होगा, उसके बाद में जो है इसका बैटरी इरोर प्रॉब्लम जो है वो आएगा। ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है बैटरी इरोर बता दिया। इस प्रॉब्लम को जो हम किस तरीके से सॉल्व करें और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से एक बार ऑन करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी लेट में होता है। देखिए, लगाते ही यहाँ पर जो है इरोर आ गया। कभी कभी थोड़ा टाइम चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद में भी इरोर आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड है। मैं आप लोगों को सब तरीका बताऊंगा, आप लोग चाहे तो सभी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, हाँ, ग्राउंड से लेके बेस जो पॉइंट है, मतलब बीच का पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड से लेके आपको बीच के पॉइंट में एक जम्पर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ग्राउंड से लेकर बीच के पॉइंट में एक जंपर करना पड़ेगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग पिन को एक बार रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा। अगर चार्जिंग रिप्लेसमेंट से भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर के सामने एक 2 लैग का डायोड रहेगा, काला कलर से बड़ा सा, ठीक है, इसको आपको रिप्लेसमेंट करके देखना है। अगर ये भी नहीं होता है तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, इसका चार्जिंग आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कीपैड फ़ोन में जो चार्जिंग आईसी कैसा होता है बोलने से, किसी में इस तरीके का आईसी होता है 6 लैग का, ठीक है। वैसे ये चार्जिंग आईसी नहीं है, इस तरीके का लेग होता है। और इसके एक्चुअली चार्जिंग आईसी जो है बैटरी कनेक्टर के पास में है, यह है 6 लेग का आईसी, ठीक है। तो ये ऐसा आईसी आपको चाइना का कोई सा भी कीपैड फ़ोन में आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऐसा 2 कीपैड फ़ोन है एग्जाम्पल के लिए मैं लिया हूँ, और ये सभी आपको चार्जिंग कनेक्टर के सामने ही मिलेगा बस, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक वो सेम आईसी है, प्लस यहाँ पर भी एक सेम आईसी है, कहाँ गया, इसके अंदर में होगा, यहाँ पे भी एक सेम आईसी है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सेम आईसी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्ट्स को चेंज करके एक दूसरा पार्ट्स लगा के देखेंगे, देखते हैं जो हमारा जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम हीट करके ओपन करेंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, सर आप वीडियो आजकल नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए इसके लिए। और दोस्तों, आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देके रखता हूँ, व्हाट्सएप में मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पार्ट्स को निकाला, निकाल के मैंने इसको साइड में रख देता हूँ, फेंकूँगा नहीं, जिससे ही निकालूंगा वैसे ही इसको लगाना पड़ेगा। तो ये 6 लेग का आईसी यहाँ पे भी एक है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ ये वाला बोर्ड में से, ठीक है, इस वाले बोर्ड में से निकाल के, ओ शॉर्ट, अभी कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है पता नहीं अभी, ये ऐसे बैठेगा शायद, हाँ। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट्स को अभी यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके को मैंने इसका जो चार्जिंग आईसी जो था, इसको देखते हैं अच्छी तरीके से सोल्डिंग होके बैठा है कि नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है, परवाह नहीं, एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए देते हैं, बस इतना ही सा स्टेप था इसका, बहुत इजी है। अब इस तरीके से आप कोई सा भी कीपैड फोन का फटक से इजी सोल्यूशन कर सकते हैं। आप फटक से चाहे तो चार्जिंग पिन को, जो चार्जिंग आईसी जो है आप उसको बदल सकते हैं। किसी किसी में 6 लेग का होता है, किसी किसी में इस टाइप का होता है ऐसे, ठीक है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पहले ट्राई करेंगे, ये सक्सेसफुली वर्क है कि नहीं एक बार ट्राई करेंगे। ये हमने फ़ोन को अभी लगा दिया है बैटरी,
और अभी हम यहाँ से एक बार चेक करते हैं। तो फोन अभी तक ऑन नहीं हुआ है, देखेंगे। और ऑन नहीं हुआ होगा तो, ऑन नहीं होगा तो ये शायद अच्छा से बैठा नहीं होगा जो मैंने पार्ट्स लगाया था। सच में अच्छे से बैठा नहीं है लग रहा है। अच्छा से बैठा होगा नहीं तो मैंने उसको उल्टा करके बिठा दिया होगा। ऑन करके देखते हैं। ऑन हो गया मगर चार्ज जो है वो नहीं हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है इसका जो मैंने आईसी है वो उल्टा लगाया है। ठीक है, तो आपको इसका आईसी परफेक्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, ये आईसी बराबर बैठा नहीं है, तो इसको आईसी को मैं एक बार घुमा देता हूँ, उल्टा करके लगाता हूँ। ठीक है, तो घुमाने के लिए हमको फिर से इसको लेना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा हीट करना पड़ेगा। हीट करके हमने इसको निकाला, रिमूव किया, इसको मैंने यहाँ पे रखा। भैया रुक जा, चिंग 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 घूम गया। ओके, अभी इसको लगा के देखते हैं। चलिए, इसको हमने लगा दिया है फिर से, तो अभी देखेंगे। अगर इससे भी नहीं होगा तो ये तो अच्छा से लगा ही नहीं है। तो अभी भी थोड़ा झंझट दिख रहा है। ये फोन मेरे सामने ही पे, यहाँ पे ऊपर में ही फोन है, तो इसको जो मैं सोल्डरिंग गन को जो है अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। देखते हैं, यही आईसी बदलने से 100% सोल्यूशन है, एक बार ट्राई करते हैं। नहीं होगा तो मैं इसको अच्छे से एक बार लगा के, पहली बात तो ये बिठा बैठा ही नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैं थोड़ा बोर्ड को ऐसे खींच लेता हूँ तो मेरे को इजी होगा थोड़ा। ओके, हीट थोड़ा ज़्यादा हो गया, हीट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, सभी जल जा रहा है। अब एक बार देखते हैं जो इसका अच्छा से हुआ कि नहीं। अच्छा से नहीं हुआ जैसा दिख रहा है मेरे को, तो जिंदा फिर भी एक बार ट्राई कर लेंगे। नहीं होता है तो फिर से एक बार इसको चेंज करके, सोल्डिंग करके अच्छा से फिर से एक बार लगाएंगे। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, एक मिनट काम के लिए इतना टाइम लग जा रहा है, हो जाता है कभी कभी। मान लो बोर्ड गर्म हो गया ज़्यादा, इतने बार हीट देगा तो गर्म नहीं होगा रे गधा। सक्सेसफुली होच्छे? तीन से चार मिनट, तीन थेके चार हो गया छे, थाले ठीक आछे। देखते हैं अभी ये ऑन होता है कि नहीं। अभी ऑन तो हो गया और यहाँ पे चार्जिंग भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, मतलब वो जो आईसी को मैंने बराबर बिठाया नहीं था, अभी बैठ गया है। तो मैंने सिंपल सा जो ये कॉइल है इसको मैंने चेंज के दिखाता हूँ फिर से। ये 6 लेग के कॉइल जो होता है, एयर ऊपर प्रेस करो फोन ऊपर एक बार, स्किनर ऊपर है भालकुर देखा अच्छे ना, अरे आस्ते फोन टा धोरे क्लिक करो। हाँ छिड़े दो तुम्हें तो वो कुत्ते वाले नहीं। लाइट है क्या, एक बार प्रेस करो फ्लैश लाइट। अरे यही लाइट है, हाँ वेरी गुड, फिर भी नहीं दिख रहा है। चलो बहुत पतला ही है, देख सकते हैं अभी। ठीक है, ऐसा वाला कॉइल आता है, कॉइल बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें देखो आपका जो कंपलसरी जो है चार्ज 100% वर्किंग होगा। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं एक बार। फ़ोन को हमने ऑन किया, लाइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है। तो
तो दोस्तों ये बहुत इजी मेथड था और बहुत आराम से इसको हमने सॉल्व किया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा आपके पास रहेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8861380442। आप चाहे तो उससे मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम। चलिए ठीक है, बाय बाय और गुड इवनिंग।